समिति स्थित कृषि कार्यालय परिसर में जल छाछल सचिवों के द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। दरअसल 8 से 9 वर्षों से जल छाछल सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे, परंतु वर्तमान में उन लोगों को हटाकर नई बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। भूख हड़ताल में बैठे लोगों ने कहा कि वे अपने जीवन का सुनहरा समय इस विभाग को दिया, इसके बाद ही जल छाछल सचिवों को हटाया जा रहा है, जिनकी उन लोगों के समक्ष जल छाछल विकास दल WDP की नियुक्ति जल छाछल सचिव के साथ एक ही परियोजना क्षेत्र में की गई थी। नियुक्ति नियम एवं शर्तें एक ही था, इसके बावजूद भी नई पद सृजित कर रख लिया गया एवं जल छाछल सचिवों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जल छाछल सचिव लोग ये मांग को रखते हुए कि हमको इस विभाग के नई परियोजना में बहाली को रोकते हुए हम लोगों को रखा जाए। इस विभाग के बड़े पदाधिकारी के द्वारा इनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वे लोग भूख हड़ताल जारी रखेंगे। जिला गया प्रवक्ता, हम लोग जल छाछल का कार्यक्रम 2011-12 योजना है, उसमें हम लोग के ग्रेजुएशन स्तर पर बहाली किया गई थी और उसमें जो बहाली हुई थी और जिस बहाली को अभी भारत सरकार में उससे उच्च कोई डिग्री नहीं होता है, IAS BPSB ग्रेजुएशन स्तर के बहाली होते हैं और उस समय हम लोग के रखा गया था कि 5 साल में आप लोग का रखा जाएगा प्रोजेक्ट में, और हम लोग के अभी तक उससे काम लिया जा रहा है और हम लोग के हटाकर और दूसरे को हम लोग के जगह पर बहाली किया जा रहा है, और हम लोग विभाग से और सरकार के आदेशानुसार हम लोग के संविदा मान लिया गया था कि इन लोग संविदा कर्मी हैं, इन लोग को नियमित किया जाए, और हम लोग पत्रक लगातार जिला से लेकर प्रदेश तक सरकार तक हम लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं। हम लोग के मासिक जो मानदेय है मात्र 2500 रुपया है, अभी जो नरेगा में एक दैनिक मजदूर है उसका भी हम लोग से ज्यादा उन लोग के मिलता है, और हम लोग का उम्र कोई जल छाछल सचिव सदस्य जो हैं उनकी उम्र 45, 46, 47 तक हो गया, जिसमें मेरी भी उम्र 45 साल हो गया है। 25/10/1978 का मेरा जन्म तिथि है, वो देखने का चीज है। अब हम लोग किसी काम का नहीं रह गए और घर परिवार उन्होंने सोचा कि इन लोग जल छाछल का नौकरी मिल गया है, घर में खुशहाली, और अब घर परिवार सब लोग रो रहा कि अब लोग हम लोग जाएंगे कहाँ, कैसे हम लोग परिवार का भोजन। इसलिए हम लोग सरकार से और विभाग से मांग करते हैं कि हम लोग को जहाँ जिस जगह पर है उस जगह पर रखा जाए, और अभी जल छाछल का काम है, आने वाला भविष्य में काम रहेगा। सरकार का एक ऐसी योजना है जल जीवन हरियाली, उस समय ये जो काम कभी बंद होने वाला नहीं है। सरकार की जो प्लानिंग आई थी जो जल छाछल का कार्यक्रम के लिए जल संचित है, उसमें 2019 में देखा जाए कि सितंबर में मानसून आया था, बाजार से लोग जो पैसा जो आता है उसे बोरिंग लोग करवा लेता है, लेकिन जब तक पानी नहीं रहेगा, जिस ढंग से लोगों के खाता में ATM मिल जाता है और खाता में पैसा नहीं रहता है तो खाली स्लिप आता है, उस हिसाब से हम लोग जल संचित का काम कर रहे हैं। अभी भी देखा जाए जहां हम लोग PCD बंधाए हैं, चेक डैम का निर्माण कर रहे हैं, आहरा पाइन का निर्माण है, और जो काम हम लोग का हुआ है वह नीचे से लेकर ऊपर तक खुश है, और किसान को जीवन में एक नई हरियाली जो कहा जाता है जल जीवन हरियाली, उसको हम लोग जमीन तक काम करने का काम किए हैं, और हम लोग किसी भी कीमत पर भूख हड़ताल करेंगे, जान हाथ देंगे, लेकिन जब तक हम लोग का नियमितकरण नहीं होगा, हम लोग है तहां, जब तक लेटर नहीं बनेगा तब तो हम लोग इस जगह को नहीं छोड़ेंगे, यही हम लोग का मांग है। रूप में अपने पंचायत में कार्य थे पहले, लेकिन अब सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा हम लोग को हटा करके दूसरी परियोजना चालू किया जा रहा है, जिसमें हम लोग की मांग है कि सरकार हम लोग उसी परियोजना में फिर से रखा जाए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, जबकि हम लोग के साथ ही WDP का भी एक ही पंचायत में दोनों को रखा गया था, जबकि WDP को प्रमोशन करके उन लोग को अन्य क्षेत्र में चिन्हता जल छाछल में उन लोग को और कर दिया गया, हम लोग को हटाने का प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। ये सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और हम लोग को हाई कोर्ट का ही फैसला आ गया है, लेकिन फिर विभाग और सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग जब तक सरकार और विभाग हम लोग को बात नहीं मानेंगे तब तक हम लोग भूख हड़ताल नहीं छोड़ेंगे।